नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचर जॉब सुनील में दोबारा आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, दोबारा से मैं आपके सामने कुछ लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी लेकर के आया हूं। और ये जो वैकेंसी आई हुई है बाल भारती पब्लिक स्कूल से आई हुई है दोस्तों। तो इस वैकेंसीज़ के डिटेल्स देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट प्राइवेट गवर्नमेंट हर एक छोटी बड़ी टीचिंग वैकेंसी की अपडेट रोजाना सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जिनको इस तरह की जॉब की रिक्वायरमेंट है या जो बीएड कर चुके हैं। तो चलिए इस वैकेंसीज के डिटेल्स हम जानते हैं दोस्तों। ये जो बाल भारती स्कूल है ये जनरली जो है NTPC एरिया में होता है। ये थर्मल प्लांट है और इनके द्वारा जो ही है NTPC के द्वारा ही यहाँ के स्टाफ के लिए जो है फैसिलिटी जैसे एकोमोडेशन, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सारा कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को सही स्कूल में सेटल करने के लिए। और मैंने इसके पहले भी बहुत सारी इस स्कूल की वैकेंसी बताई है तो लगभग सारे में जो भी क्राइटेरिया है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होती है, क्योंकि इनका शायद टाइप जो है वो NTPC से है। तो चलिए इस वैकेंसीज के डिटेल्स हम जानते हैं। ये वैकेंसी जो है पहली म्यूजिक टीचर की है, जिसमें BA ऑनर्स या MA या डिप्लोमा इन म्यूजिक से होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन। फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, जिसमें DPED या BPED या MPED होना चाहिए। स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है, MA साइकोलॉजी से या डिप्लोमा अगर आपका करियर काउंसलिंग से है तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएशन साथ ही साथ कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जिसमें BCOM के साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आपका जो है इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों मस्ट है दोस्तों। एज एंड सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दी जाएगी। साथ ही साथ एकोमोडेशन आपको NTPC टाउनशिप, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेडिकल फैसिलिटी आपको सब्सिडीज रेट में एज पर स्कूल पॉलिसी के अनुसार दी जाएगी दोस्तों। अप्लीकेशन जो है आप देख सकते हैं शुड कॉन्टेन ऑल द जितने भी डिटेल्स हैं लाइक क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, ईमेल, मोबाइल नंबर सारा कुछ आपको देना है अप्लीकेशन फॉर्म में। और अप्लीकेशन फॉर्म जो है आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। लिंक यहाँ पे देख लें, इसको आप डायरेक्ट जो है मोबाइल या लैपटॉप में टाइप करके फिल कर सकते हैं। बेटर होगा कि कंप्यूटर से करें। bbps.darlipalli.balbharti.org है दोस्तों। और इसको जो है ये 13 तारीख का एडवर्टीजमेंट है 13 अक्टूबर का, चूँकि बीच में दुर्गा पूजा था इसलिए लेट हो गया इसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी आपके पास 2 दिन का समय है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले भी इसकी वैकेंसी अभी तक आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी कि किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये ऑनलाइन चूँकि अवेलेबल है तो बहुत सारे चैनल वाले अभी तुरंत ही आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो सबसे पहले वैकेंसीज के डिटेल पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लगातार आप देखते रहें। बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट करते हैं कि मुझे उड़ीसा का बताइए, दिल्ली की बताइए, लेकिन दोस्तों अगर आप रेगुलर वाइज नहीं देखेंगे तो वैकेंसियाँ मिस हो जाएंगी। इसलिए मेरे चैनल को एटलीस्ट 5 मिनट डेली वाइज जो है एक बार सर्च ज़रूर करें और ज़रूर देखें। तो अच्छी वैकेंसी है आप फिल करें। फिल करने संबंधी आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।